आज से एक साल पहले मैंने बेस्ट डीपीआई की वीडियो बनाई थी, लेकिन उस वीडियो के बाद हमारे फ्री फायर पर बहुत बार अपडेट आ चुकी है। तो अभी के समय पर तुम्हारे मोबाइल के लिए बेस्ट डीपीआई क्या होगी, इस वीडियो पर जानेंगे एक ऐसी सीक्रेट डीपीआई जो कि हर मोबाइल पर वर्क करेगी एंड साथ ही साथ तुम्हारे डीपीआई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट्स हैं, सभी क्लियर होगी। ओके। अच्छा एटीट्यूड भाई, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये डीपीआई होती क्या है? सबसे पहले तो तुम लोग वीडियो को ध्यान से देखो। तो देखो डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। हमारा मोबाइल का स्क्रीन बहुत सारे पिक्सल से मिलकर बना होता है। मतलब कि एग्जांपल के लिए जब हम लोग 100 डीपीआई रखते हैं तो मान लो हमारे मोबाइल के इतने से पार्ट पर 9 पिक्सल है, लेकिन जैसे ही अपने डीपीआई को हम लोग 100 इंक्रीज करके 200 पर कर लेते हैं तो मोबाइल के उसी पार्ट पर अब ज्यादा पिक्सल्स की तरह वर्क करे। अब अगर हम लोग 400 डीपीआई कर लेते हैं देन उसी पार्ट पर अब और भी ज्यादा पिक्सल्स की तरह वर्क करे। और यही कारण है कि तुम्हारा डीपीआई को इंक्रीज करने से तुम्हारे मोबाइल का सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, मतलब कि लो डीपीआई में अगर तुम लोग अपने फायर बटन को यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करते हो, सेम चीज अगर तुम लोग हाई डीपीआई पर करते हो, तुम लोग आधे ड्रैग पर ही तुम्हें सेम ड्रैग स्पीड मिलेगा। अब भाई इससे ज्यादा मैं भी समझा नहीं सकता। तुम्हें बेस्ट हेडशॉट डीपीआई को जानने से पहले डीपीआई के कुछ सीक्रेट्स को जानना होगा। क्या डीपीआई को इंक्रीज करने से हमारे हेडशॉट्स भी ज्यादा लगते हैं? तो इसका आंसर है हाँ भी और ना भी। मतलब कि सीधा समझो तो डीपीआई कोई भी हेडशॉट की सेटिंग है ही नहीं, लेकिन फिर भी डीपीआई को इंक्रीज करने से हमारे हेडशॉट्स ज्यादा लगते हैं। क्योंकि इसका एक सिंपल सा रीजन है कि डीपीआई को इंक्रीज करने से हमारे मोबाइल की सेंसिटिविटी भी हाई हो जाती है, और जितनी ज्यादा हाई सेंसिटिविटी होगी उतना ही ज्यादा स्मूथली हेडशॉट्स लगते हैं। क्या डीपीआई को इंक्रीज करने से हमारा मोबाइल खराब हो सकता है? तो देखो डीपीआई को यूज करने से हमारा मोबाइल खराब नहीं होता, लेकिन अगर तुम लोग इसको एक्यूरेट वे पर यूज करो, लेकिन अगर तुम लोग अपने डीपीआई को अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग से ज्यादा रखते हो तो इससे तुम्हें बहुत सारे नुकसान होंगे। व्हाट? जैसे कि तुम्हारा मोबाइल का लाइफ धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसका दूसरा नुकसान तो ये है कि इससे तुम्हारा मोबाइल का बैटरी बहुत ही जल्दी जल्दी डाउन होगा। एग्जांपल के लिए अगर तुम लोगों का रैंडम डीपीआई है तो तुम लोग अपने मोबाइल पर 8 घंटे तक गेम प्ले कर सकते हो, लेकिन अगर तुम लोग अपने डीपीआई को हद से ज्यादा इंक्रीज करो तो तुम्हारा मोबाइल का बैटरी पहले 8 घंटे चलता था लेकिन अब सिर्फ 6 घंटे ही चलेगा। सच बोल रहा हूं। इसका तीसरा नुकसान तो ये है कि अगर तुम लोग इनप्रॉपर वे पर डीपीआई का यूज करते हो, मतलब कि मन में जो आता है उसी डीपीआई का यूज कर लेते हो, तो फिर हो सकता है तुम्हारा मोबाइल गेम खेलते समय ज्यादा गर्म हो। लेकिन वही अगर तुम लोग एक बेस्ट हेडशॉट डीपीआई का यूज करो तो फिर टेंशन की बात नहीं है, ये तुम्हारे मोबाइल पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। एंड डीपीआई से रिलेटेड सबसे मेन क्वेश्चन है कि क्या डीपीआई का यूज करने से हमारा फ्री फायर का आईडी बैन हो सकता है? तो मैं सोच रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं ना दूं। अरे मजाक कर रहा हूँ, तो समझो जब हम लोग अपने मोबाइल के सेटिंग पर आते हैं तो डेवलपर ऑप्शन के अंदर हमें मिलता है मिनिमम वाइड, और इसे ही हम लोग बोलते हैं डीपीआई। इसका मतलब कि ये है एक मोबाइल का सेटिंग। साथ ही राइ स्टार, पागल एमटेन, बड़े बड़े क्रिएटर्स भी डीपीआई का यूज करते हैं, और इससे ये प्रूफ होता है कि डीपीआई का यूज करने से हमारा फ्री फायर का आईडी बैन कभी भी नहीं होगा। एनीवेज गाइस, सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि लो डीपीआई पर कितने हेडशॉट्स लगते हैं। तो मेरे मोबाइल पर 411 की पहले से रैंडम डीपीआई दी गई, और इस पर से मैं करूंगा 5 किल्स, तो देखते हैं कि 5 में से कितने हेडशॉट्स लगते हैं। और हाँ, अभी तक तुम लोगों ने जितने भी क्लिप्स देखे वो सारे क्लिप्स को मैंने बिना डीपीआई का यूज किए ही रिकॉर्ड किया है, और यहाँ पर भी तुम लोग साफ साफ देख पा रहे हो मैंने 5 में से 5 हेडशॉट्स मारे। एंड अब मैं अपने डीपीआई को 550 कर लेता हूं, एंड 550 डीपीआई करने के बाद मैं फिर से आता हूं ट्रेनिंग ग्राउंड पर 5 किल्स करने के लिए। एंड अब तुम लोग यहाँ पर मैच करना मेरे 5 में से कितने हेडशॉट्स लगते हैं। तो ये रहा मेरा चौथा किल, एंड इसके बाद ये रहा मेरा लास्ट किल, एंड ये भी रहा हेडशॉट। तो अब तुम लोग सोचोगे दोनों पर तो 5-5 हेडशॉट्स लगे, तो इन दोनों में अंतर क्या? तो देखो डीपीआई को इंक्रीज करने से हमें काफी ज्यादा स्मूथली गेम देखने को मिलती है। मतलब कि हल्का सा ड्रैग करने पर भी हेडशॉट्स लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और डीपीआई का यूज करने से तुम लोग शॉर्ट रेंज पर भी बहुत ही इजीली हेडशॉट्स मार पाओ। तो अगर तुम्हारे हेडशॉट्स नहीं लगते तो तुम लोग डीपीआई का यूज कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे मोबाइल के लिए बेस्ट हेडशॉट डीपीआई क्या होगी वो समझो। ओके। लेकिन पहले बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो टॉप 5 हेडशॉट सेटिंग्स पर हो, लेकिन वो वीडियो तभी आएगी जब इस वीडियो पर 50,000 लाइक्स आएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
बेस्ट डीपीआई मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन अगर तुम लोग खुद से ढूंढना चाहते हो तो फिर सिंपली तुम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाओ और हर बार की तरह सिंपली तुम्हें एक डिजर्ट ईगल गन को लेना, दूसरा तुम्हें यूएमपी गन को, एंड तीसरा तुम्हें अपने M1887 शॉटगन को लेना। एंड ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाने के बाद सिंपली तुम लोग अपने डीपीआई को 30, 40, 50 ऐसे करके इंक्रीज करते, एंड अलग अलग डीपीआई का यूज करने से तुम्हें ये पता चलेगा कि किस डीपीआई से ज्यादा हेडशॉट्स लग रहे हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं 2GB रैम वाले डिवाइसेस। 2GB रैम वालों का टच रिस्पांस काफी ज्यादा कम होता है और कुछ बंदे अपने टच रिस्पांस को बढ़ाने के लिए अपने डीपीआई को इंक्रीज कर लेते हैं। तो समझो अगर 2GB रैम पर हाई डीपीआई का यूज किया जाए तो वो डिवाइस अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाए। तो मेरे हिसाब से तुम लोग अपने 2GB रैम पर 50, 60 या फिर 70 से ज्यादा इंक्रीज नहीं करना। आई एम सॉरी बाबू, इससे ज्यादा इंक्रीज करने पर तुम लोग गेम तो खेल पाओ लेकिन तुम लोगों को काफी ज्यादा लैग मिलेगा, काफी ज्यादा हीटिंग प्रॉब्लम मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास 3GB या फिर 4GB रैम वाला डिवाइस, देन तुम लोग अपने मोबाइल के डीपीआई को 100 या फिर 120 तक इंक्रीज करना, क्योंकि अगर तुम लोग हद में रह के डीपीआई का यूज करते तुम्हें कभी भी मोबाइल पर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अगर बात करें तुम्हारा अगर 6GB रैम का मोबाइल, तो ऐसे तो 6GB रैम पर तुम्हें डीपीआई की कोई भी जरूरत नहीं हो, लेकिन अगर तुम्हारा मोबाइल का टच रिस्पांस काफी ज्यादा कम और तुम्हें हाई सेंसिटिविटी की जरूरत है, देन तुम लोग अपने डीपीआई को इंक्रीज कर सकते हो। सिंपली तुम लोग अपने डीपीआई को 500, 600 या फिर 700 तक इंक्रीज कर सकते हो, बस तुम्हारा जो फॉन्ट का साइज होगा वो काफी ज्यादा छोटा हो जाए। तो मेरे हिसाब से तुम लोग 400 या फिर 300 तक ही करना, इससे ज्यादा नहीं करना।